ऐसे बोलो व्हाट इज अप गाइस, ठीक है? What is up guys? तो क्या हाल है दोस्तों? तो आज मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ क्योंकि कॉलेज का नोटिस आ चुका है। फोर्थ ईयर्स को कॉलेज का हॉस्टल खाली करना है, क्यों पता नहीं, बट लॉकडाउन में कॉलेज वालों को सोचा क्या करें, तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि फोर्थ ईयर के बच्चों को कॉलेज खाली करने को बोलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। एंड उसके लिए एक डेडलाइन दे दी 29th June। अब आउट ऑफ दिल्ली वाले बच्चे कैसे आके खाली करेंगे, ये भगवान बताए या कोरोना बताए। तो बेसिकली यार मैं 4 months के बाद कॉलेज जाने वाला हूँ एंड आप लोगों को दिखाऊंगा अभी क्या स्टेट है कॉलेज की एंड कितने लोग मिलते हैं वहां पे, देखते हैं। ऑब्वियसली गार्ड्स एंड वो सब लोग तो होंगे जो लोग रोज काम कर रहे हैं, बट देखते हैं कोई बच्चा मिलता है या नहीं। एंड यार पिछली वीडियो पे बहुत मस्त सपोर्ट दिखाया आप लोगों ने एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को एक एक कमेंट पढ़ के एंड रिप्लाई करके। तो यार मतलब यार मजा आ गया यार तुम लोगों के सपोर्ट का, यार हैट्स ऑफ टू यू ऑल। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं DTU क्योंकि हमें अपना हॉस्टल सरेंडर करना है, ज्यादा ही लाइट आ रही है, तो चलो आगे। तो यार हम अब गुड़गांव से निकल चुके हैं एंड 1 hour 30 minutes के आसपास लगेगा, तो अब देखते हैं ट्रैफिक मिलता है या नहीं। तो यार वैसे तो लॉकडाउन में बाहर जाना नहीं चाहिए, बट कॉलेज का नोटिस आ चुका है कि फोर्थ ईयर्स को अपना हॉस्टल खाली करना है जल्द से जल्द। एंड अब क्योंकि सामान तो लेके आना ही है, नहीं तो वो ताला वाला तोड़ के सामान ना निकाल ले, तो इसलिए हम जा रहे हैं DTU और आज आपको कॉलेज भी देखने को मिलेगा एंड हॉस्टल भी। तो लेट्स गो। तो गाइस बेसिकली हमें 30 मिनट्स हो गए हैं गुड़गांव से चले हुए एंड अभी हम एयरपोर्ट के साइड में है जो महिपालपुर एंड एरो सिटी के आसपास जो एरिया है। काफी ट्रैफिक है यार कोरोना की वजह से, लोग घर पे नहीं बैठे हुए हैं एंड यार इस ट्रैफिक में ही जाना पड़ रहा है। तो यार काफी लोगों ने एक मंदिर देखा होगा जो बिल्कुल एयरपोर्ट के T3 के सामने है। तो बेसिकली क्या है, ये जो मंदिर है ये मेरे पापा ने डिजाइन करा है। तो यार जब भी इस मंदिर के सामने से जाता हूँ ना तो काफी प्राउड फील होता है, तो मतलब अगली बार जब जाओ तो एक फोटो खींच के जरूर भेजना मेरे को। तो यार एक सैड न्यूज, मैं हॉस्टल की चाबी ही घर पे भूल आया हूँ एंड मतलब बिल्कुल आधे रास्ते जाने के बाद याद आया, बट थैंकफुली मेरी चाबी एक जूनियर के पास होती है जो पश्चिम विहार में रहता है, तो थोड़ा सा D2 लेके अब हम जा रहे हैं उसके घर जिससे कि चाबी ले सके उससे। एंड थोड़ा हाँ मेरी तरफ से गलती है। तो बेसिकली यार दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी अभी कॉलेज जाने के लिए, एक तो हॉस्टल iCard और एक हॉस्टल की चाबी जो मैं भूल चुका हूँ घर पे। तो यार ये अब हम आ गए हैं पश्चिम विहार एंड वहां से जो चलता आ रहा है वो है मेरा जूनियर अर्जित। ऑल्दो मैं कह रहा था कि बीच रास्ते में मिल लेते हैं बट वो नहीं आया क्योंकि गलती मेरी थी। तो क्या सोच रहे हो यहाँ पे, ओ आएगा फिर से, हर बार नहीं आता। तो इससे पहले चाबी लेते हैं फिर आगे का देखते हैं। क्या बात है, घर चल लो। ओ भाई मिल ले भाई सबसे। हेलो तो फाइनली हम पहुंच गए हैं DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी 4 महीने बाद एंड यार तुम गेट देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है यार, मतलब बिल्कुल अलग सी फीलिंग आ जाती है यार इस गेट को देख के। एंड अब चलते हैं डायरेक्टली हॉस्टल की तरफ। गार्ड्स ने एंट्री करा ली एंड काफी क्वेश्चंस पूछने के बाद उन्होंने जाने दिया एंड यार उनको वैसे काफी समझाना पड़ा कि एग्जैक्टली हम आए किस लिए हैं, मतलब थोड़ा उनको भी बहुत दिनों से कोई आया नहीं है तो उन्हें लग रहा होगा अजीब सा। तो बेसिकली यार ये है एडमिन सर्कल जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है इसके आसपास एंड यार फिर सीधा डायरेक्ट चलते हैं हॉस्टल एक सेकंड में। तो यार ये है हॉस्टल का गेट, तो इसे प्यार से इंडिया पाकिस्तान रोड भी कहते हैं क्योंकि लिए एक तरफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के हॉस्टल हैं, मतलब बाकी मिक्स हैं, हॉस्टल एक ही फर्स्ट ईयर का है एंड ये गार्ड ने हमें रोक दिया मास्क पहनने के लिए। हाँ फोर्थ ईयर का हो ना तो पूरा ही खाली। क्या नंबर है आपका? 213 तो अब आफ्टर अटेंडेंट को सारे पेपर्स और आई कार्ड दिखाने के बाद अब हम चलते हैं सीधा हॉस्टल के अंदर एंड देखते हैं क्या हाल मच गया है हॉस्टल रूम के अंदर। एंड यार ये है दो हॉस्टल्स हैं इधर, CVR एंड JCB एंड यार काफी ग्रीनरी है हमारे हॉस्टल के आसपास, तो मतलब काफी मस्त लगता है यहाँ रहना। तो मतलब 4 साल यार यही काटे हैं तो मतलब यार अलग ही लग रहा था इन सबको देख के। एंड यार ये है JCB हॉस्टल जो मेरा 3rd year एंड 4th year में हॉस्टल था। 3rd year में 3rd floor था एंड 4th year में 1st floor सिंगल रूम। तो यार अब हॉस्टल के अंदर चलते हैं एंड तो अब रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं क्योंकि गार्ड भैया ने बोला है एंड उनका हुक्म सराखों पर। एंड काफी देर तक खाली पेज ढूंढने के बाद हमने लिख दिया है
एंड गार्ड भैया कितने मस्त है, उन्होंने बॉटल हटा दी के वीडियो में ना आए, इसलिए काफी सही है यार ये बात। तो यार ये हॉस्टल का सेंट्रल एरिया है जहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट देख सकते हो, बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं यहाँ, एंड काफी सारी बैठने की जगह है, तो मतलब काफी चिल करने के लिए एरियाज हैं, तो मतलब ऐसा कोई जगह की कमी नहीं लगेगी हॉस्टल में, तो ऐसे क्रैम्ड अप नहीं है, काफी बड़ा एरिया ओपन है इनसाइड दी हॉस्टल भी, बाहर तो है ही आपने देखा गाइज। ये है एक यार बहुत बड़ी सी बालकनी टाइप भी है फर्स्ट फ्लोर के बच्चों के लिए, तो मतलब काफी मस्त है वो एरिया भी, मतलब वहां भी बच्चे खेलते हैं मतलब। अब चलते हैं सीधा रूम में, 4 महीने बाद गेट खोल के देखते हैं अंदर की क्या हालत है, लॉक तो काफी गंदा हो चुका है, पैसे खोल लेते हैं। पूरा मिट्टी से भरा हुआ है तो यार पूरे में मिट्टी फैली हुई है, एंड सामान भी फैला हुआ था क्योंकि एग्जाम के एकदम बाद में निकल गया था बिना सेट वेट करे कि अगले हफ्ते तो आना ही है सामान लेके, एंड यार सारा सामान बिखरा पड़ा है, एंड पीछे का भी देख सकते हो बालकनी में भी पानी भरा हुआ है, एंड यार काफी सारा सामान पैक करना पड़ेगा, सब सामान भरना पड़ेगा। तो फाइनली सारा सामान पैक कर लिया है, काफी गंदगी हो रही है रूम में यार, यही है छोटा सा रूम जो मिलता है हमें, फायदा क्या है इसका, एक बहुत ही मस्त व्यू मिलता है एंड काफी हवा है। तो यार तो ये है खाली रूम सारा सामान हटाने के बाद, एंड यार काफी फंक्शनल तो जगह है। फाइनली यार यहीं काटने वाले थे बट लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो गया है, एंड ये एक मिरर भी है यहाँ पर, काफी कूल। एंड ये है हॉस्टल, काफी मस्त मस्त जगह बना रखी है यहाँ पे बैठ के बातें करने के लिए, गेम खेलने के लिए। तो यार फाइनली एक बार लास्ट टाइम कॉलेज टूर कर लेते हैं, एंड ये है जो रास्ता, जो मेन एंट्री एक तरह से मेन एरिया की, जो सेंट्रल ओएटी एंड कैंटीन वाला एरिया है, लेफ्ट में मैकेनिकल ब्लॉक एंड वर्कशॉप वाला एरिया, एंड राइट में ये मेन कैंटीन है जो मैकेनिकल कैंटीन नाम से भी जानी जाती है, बट मतलब मेन सबसे बड़ी कैंटीन कॉलेज की यही है, एंड काफी लोग इसके अंदर ही बैठ के टाइम पास करते हैं, मतलब काफी बड़ा एरिया है अंदर। एंड यार ये जो साइड में दो शॉप्स हैं, ये एक फोटोकॉपी शॉप एंड बुक शॉप है कॉलेज के अंदर की, स्टेशनरी मतलब जो उतना भी एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ से खरीद सकते हो। एंड यार ये लेफ्ट में एक सिविल रेस प्लेटफॉर्म कहते हैं इसे, मतलब इतना कुछ रेस्ड है भी नहीं, मतलब कुछ इतना यूजफुल है भी नहीं। एंड राइट में अमूल की एक शॉप है छोटी सी, एंड अब आगे जाके लेफ्ट में एक जूस कॉर्नर भी है, एंड ये वाली है अमूल की शॉप जो है, जिसमें मतलब अमूल रिलेटेड प्रोडक्ट्स या थोड़े फ्रेश प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं बट। एंड ये है HPMC की जूस शॉप, काफी कम लोग ही खरीदते हैं यहाँ से सामान। एंड जो ये सामने दिख रहा है ये है DTU का फेमस क्लॉक टावर, एंड इसमें कोई क्लॉक नहीं है, डिस्क्लेमर, स्टिल इसका नाम क्लॉक टावर है, पता नहीं क्यों, पता नहीं कब लगाएंगे क्लॉक, बट लगाएंगे भी तो इतनी छोटी लगेगी, जगह इतनी कम सी दे रखी है, बट यार काफी ब्यूटीफुल एरिया है ये, मतलब ओपन एयर थिएटर है, इसमें काफी बड़ा एरिया जहाँ तुम पूरा बैठ सकते हो, मतलब काफी मस्त जगह है यार। तो यार ये है कॉलेज का OAT जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, दिखा देता हूँ मस्त सा। एंड यार वो उधर है जो बिल्डिंग्स हैं डिपार्टमेंट्स की, एंड ये है ऑडिटोरियम, ये है क्लॉक टावर द फेमस। एंड यार फोर्थ ईयर में ऐसा लग रहा है आखिरी बार आ रहे हैं, तो मतलब बहुत मस्त फीलिंग सी आ रही है, लेकिन मतलब दुख सा हो रहा है कि इसके बाद शायद नहीं आ पाएंगे यहाँ पे हैंग आउट करने या चिल करने। तो यार अब काफी सारी फोटोज खींचने के बाद अब सीधा चलते हैं घर, क्योंकि बहुत धूप हो रही है एंड थक गए हैं सामान गाड़ी में रख के। तो यार हॉस्टल का सारा सामान तो मैं ले आया घर पे पटक दिया लाकर, काफी सारा सामान हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली सरेंडर नहीं कर पाया क्योंकि नोटिस में कोई टाइमिंग एंड कुछ भी नहीं दे रखा था उन्होंने, तो वो मेस ड्यूज क्लियर एंड पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के साइन कराने थे, तो वो मतलब कुछ बताते तो है नहीं ये लोग। फिर भी मैं काफी चीजें लेके गया था बट हॉस्टल ऑफिस बंद था, पता नहीं क्या था उस वजह से आज सरेंडर नहीं कर पाया, तो इसके लिए दोबारा मेरे को एक बार जाके या किसी के थ्रू ऑब्वियसली सरेंडर करना पड़ेगा हॉस्टल। यार हो सकता है अब कॉलेज जाने का मौका दोबारा ना मिले, बट यार हॉस्टल लाइफ इतनी मस्त होती है, मतलब इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है उस पूरे कॉम्प्लेक्स की या उस पूरे हॉस्टल की या रूम्स की, के मतलब छोड़ते बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था, एंड मतलब गार्ड्स वार्ड्स को भी देख के जिन्हें रोज देखते हैं बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार अब दोबारा यहाँ नहीं आ पाएंगे, दोबारा कभी रात में मैगी नहीं खा पाएंगे जाके 1-2 बजे निकल के, एंड दोबारा यार मेस का खाना या मतलब इतनी सारी चीजें मिस करेंगे हम। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए, एंड यार इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी जाके फॉलो करो, वहाँ भी काफी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे बिहाइंड द सीन्स एंड काफी सारी एक्स्ट्रा कॉन्टेंट भी डालता रहता हूँ, तो वो भी देखने को मिलेगा, लिंक्स अभी स्क्रीन पे आ जाएंगे। एंड यार अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक बटन दबाओ, एंड यार सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं करा है, तो बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देखना अच्छा नहीं होता।
तो यार बिना सब्सक्राइब करे लाइक करे मत जाना, एंड यार कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, एंड और कुछ तुम्हारे डाउट कुछ भी है तो कमेंट करके लिख डालो, वो तुम्हारा एक तरह से तुम्हारा दिमाग का जो भी है सब कुछ निकालने का एक जगह है, बस फालतू की चीज़ें मत लिखना या किसी को हेट मत करना उस पर, बाकी सब चलेगा कुछ भी लिखो। सबका रिप्लाई देने की मैं कोशिश करता हूँ, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अगर कुछ बात करनी है तो, एंड ये ऊपर का क्यों कट रहा है नीचे आते हैं थोड़ा, हाँ एंड इतना ही था यार इस वीडियो के लिए, तो स्टे सेफ स्टे एट होम एंड गेट सेफ।